नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। आज 3 अगस्त 2023 को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानगो में स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत पांडा द्वारा किया गया, जिसमें स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा, स्तनपान एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। ये बच्चों को बीमारियों से बचाता है, जैसे कि दस्त, निमोनिया और मोटापा। वहीं बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास भी बेहतर होता है। जहां डॉक्टर रूबी बरला ने बताया कि स्तनपान एक माँ के लिए भी फायदेमंद है, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है, वजन कम होता है और गर्भाशय का सिकुड़ना भी बेहतर होता है। वहीं डॉक्टर स्मिता ने माताओं से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्तनपान कराएं। आपस में जो लगाव होता है वो दूध से स्टार्ट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो मूल भावना है वो यही है कि हम बच्चों और माँ के बीच में दूध का जो यह लगाव है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको बताएं, उनको समझाएं कि आपको अपने बच्चों को दूध पिलाना क्यों आवश्यक है, आपको अपने बच्चों को दूध पिलाना क्यों जरूरी है और इससे उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसके जीवन में किस तरह से बदलाव हो सकता है। लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वह अपने बच्चों को पैकेट वाला दूध पिलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चों को दिक्कत होता है बल्कि भविष्य में आगे जाकर के उसको काफ़ी शारीरिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, उसका इम्यून सिस्टम पर उसका काफ़ी असर होता है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम लोग एक सप्ताह का जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है मना रहे हैं और इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि हम जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक से लोगों को यह समझ में आ सके कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उनके बच्चे तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही साथ जो माताएं हैं वो भी स्वस्थ रहेंगी। अधिक से अधिक से मैसेज यही रहेगा कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को हमने बढ़ावा दिया। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को ये नहीं, सिर्फ दूध ही नहीं मिलता और बहुत सारा इम्यूनिटी भी मिलता है। ठीक है, हमारा मैक्सिमम मैसेज यही है कि मतलब माओ को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं अपने बच्चों को, हम और सबको ये शिक्षा दें कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग से। ये नहीं, बच्चों को तो फायदा होता है, माँ को भी फायदा होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से बचाव होता है ना। जैसे बाहर के जो पैकेट वाले दूध जो पिलाते हैं उस पर क्या नुकसान है? बाहर का चीज़ तो बाहर का चीज़ होता है और जब तक बच्चा मैक्सिमम पीरियड तक जितना ब्रेस्ट फीडिंग हो सके उतना अच्छा है। मतलब लोग बाहर के यूज़ को ज़्यादा ना करें। हाँ, ये ब्रेस्ट फीडिंग पर ज़्यादा जोर दें। अपना नंबर बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर रंजीत पांडा बोल रहा हूँ।